बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम। दिस इज़ योर टीचर फॉर क्लास 4 इंग्लिश। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ यूनिट नंबर 7। एंड स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन द रीडिंग ट्रांसलेशन एंड वर्ड मीनिंग सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डू द बुक वर्क ऑफ यूनिट नंबर 7. So students, we will start our lesson from exercise A. Our first exercise is about verb. Students, as you know, verb is an action word or a doing word. So students, you have to underline the verbs in each sentence that are given at your page. Our first line is, number one, Noreen talked to the manager. What is verb in this sentence? Talked. We will underline talked. Louis posted the letter last week. Posted. He poured a glass of milk. Poured. The lady bought a new dress in the shop. Bought. Ali cleans her bedroom on a Saturday. Cleans. Dad washed the football kits because they were dirty. Washed. I cycle to school on Thursday and Friday if the weather is fine. Cycle. She chopped the onion and the mushrooms for dinner. Chopped. So students, these were our verbs which we have underlined. Now we will move to our next exercise B. देर इज़ आल्सो यूज़ ऑफ वर्ब, लेकिन इसमें आपने वर्ब के डिफरेंट जो टेंसेज हैं उनके बारे में बताना है। द प्रेजेंट टेंस इज़ यूज फॉर समथिंग दैट इज़ हैपनिंग और हैपन्स एवरी डे। ऐसा काम जो हम रोज़ाना करते हैं या जो अक्सर होता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे आई वर्क ऑन अ फार्म एवरी डे, आई कॉम माई हेयर एवरी मॉर्निंग। और पास्ट टेंस इज़ यूज फॉर समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे आई वर्क ऑन द फार्म यस्टरडे, कल मैंने फार्म पे काम किया था। या आई कॉम्ब्ड माई हेयर दिस मॉर्निंग, सुबह मैंने अपने बाल कंघी किए थे। नाउ स्टूडेंट्स, अवर क्वेश्चन इज़ फिनिश द सेंटेंसेज यूजिंग अ वर्ब इन द पास्ट टेंस। आपने एक वर्ब को यूज़ करते हुए पास्ट टेंस में फिनिश करना है सेंटेंसेज को। हमारी फर्स्ट लाइन है, द डॉग डैश ऑल द नाइट लॉन्ग विच हैज़ बीन डन फॉर अस। बार्क, सेकेंड फॉर्म ऑफ द बार्क। The children dashed the game, played. My brother dashed the dinner last night, enjoyed. I dash everywhere for my shoes this morning, I looked. She dash him for a favor, she asked him for a favor. I dash the poem off by heart, learned. She dash a book from the library, borrowed. Now students, we will move to our exercise C on the same page. That is, underline the verb in each sentence. आपने जो verb है उसको underline करना है और बताना है कि वो ठीक है या गलत है। The sun is shining in the sky. Picture को देखें, क्या इसमें sun shine करता नज़र आ रहा है? No. The statement is wrong. A girl is bouncing a basketball. Tick or cross? Tick. Two girls are skipping with a rope. Cross. Three small children are holding hands. Cross. A boy is sitting reading a book. Tick. So students, now we will move to our next exercise. Comprehension. Find the word in the list that mean the opposite of those in the table. कुछ words दिए गए हैं list में जिनको आपने बताना है कि table में मौजूद words के साथ वो opposite किस तरह से होंगे। Number one word is first. इसका opposite क्या होगा line में? Last. Popular, unpopular, lovely,
हॉरिबल, एंट्रेंस, एग्जिट, क्वेश्चन, आंसर, ट्रू, फॉल्स, स्ट्रॉन्ग, वीक, एब्सेंट, प्रेजेंट, टीच, लर्न, जूनियर, सीनियर. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू एक्सरसाइज बी ऑन द सेम पेज. वोकैबुलरी, यूज ए राइमिंग वर्ड टू कंप्लीट ईच सेंटेंस प्रॉपरली. राइमिंग वर्ड एक लगाकर आपने ऐसा वर्ड लगाना है, राइमिंग वर्ड को ध्यान में रखते हुए, राइमिंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए, जो कि सेंटेंस का मायने पूरा करे. वी ऑलवेज मीट एट द एंड ऑफ द वीक. मीट एंड वीक आर राइमिंग टू ईच अदर. द बॉय डिडंट नो हाउ टू रो. द ओल्ड ट्री स्टम्प्ड लुक्ड लाइक अ हम्प. शी बॉट अ न्यू गाउन इन अ शॉप इन द टाउन. आई लव द थ्रिल ऑफ स्केटिंग रेसिंग. नाउ स्टूडेंट्स, वी मूव टू अदर क्वेश्चन, दैट इज सी पार्ट, वर्ड स्ट्रक्चर. राइट वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर्स. वी हैव बीन गिवन सम लेटर्स हेयर एंड विद द हेल्प ऑफ दीज लेटर्स वी हैव टू मेक सम वर्ड्स. नंबर वन इज एफ एल. वी विल मेक फर्स्ट वर्ड फ्लावर, फ्लोर. फ्लो इज ऑलरेडी डन फॉर यू. फ्लोट, फ्लिप. सेकेंड वर्ड इज डी आर. ड्रीम, ड्रेड, ड्राइड, ड्रिप. थर्ड लेटर्स आर एस एम. स्मेल, स्मॉल, स्मार्ट, स्मिटन, स्माइल. नेक्स्ट लेटर्स आर एस टी आर. स्ट्रिंग, स्ट्राइक, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रैप, स्ट्रिप. नेक्स्ट लेटर्स आर डब्ल्यू एच. विच, वेल, वट, होल एंड विसल. आवर क्वेश्चन नंबर डी इज डिस्क्रिप्टर. चूज टू वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस. We have given some words here. We have to choose according to the sentence to fill in the blanks. During the Stone Age, people lived in dark and damp caves. The Flintstones is a funny television cartoon. Cave dwellers hunted wild, large animals for food. The hunters used sharp bone tools. Huge, terrifying dinosaurs roamed the earth long ago. Now we will move to exercise E, that is teaser time. The word Flintstone has a code which is given on the screen. You can see, use this code and find the hidden words. Number one is done for you. 1852 stands for nose. Next is lines, tone, tint, fine, lines, nine, and note. So student, that was your work, book work for unit number 7. Please complete it neatly. Learn your all the exercises. And students, stay home, stay safe. Allah Hafiz. God bless you. Take care of yourself.